दिल्ली पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे खुल चुके हैं बहुत सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स लाइक एडिडास, प्यूमा और जूडियो। बाकी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट और मैकडी भी खुल चुका है और बाकी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगा। फुल इन्फॉर्मेशन व्लॉग होने वाला है तो एंड तक बने रहना। बाकी यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि जूडियो के अंदर सच में अच्छे कपड़े और सस्ते कपड़े मिलते हैं। बाकी यहाँ पर मैं कलेक्शन भी आपको दिखाने वाला हूँ तो वीडियो तक एंड तक बने रहना। हेलो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ पंजाबी बाग पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन के सामने ही। जैसे कि आप देख रहे होंगे वो रहा मेट्रो स्टेशन और यहाँ पे खुल चुका है यूनिटी वन और यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी है लाइक मैकडी, जूडियो, एडिडास और पुमा वगैरह के बहुत सारे स्टोर्स खुल चुके हैं यहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ अभी जूडियो के अंदर, बाकी और भी हम स्टोर्स कवर करेंगे और देखते हैं यहाँ पर कैसा बना है। मुझे लग रहा है थोड़ा मॉल टाइप से शायद बना है यहाँ पे, बाकी अंदर जाके पता लगेगा कैसा बना हुआ है। तो चलते हैं अंदर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों ये रहा मेट्रो स्टेशन और इसी के जस्ट मैं साइड से अभी निकल के आया हूँ। पार्किंग पीछे है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पहले मैं एंटर कर रहा हूँ बाहर की साइड से, रोड की साइड से, और देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे आउटलेट बने हुए हैं और चलते हैं। तो ये कुछ एक स्ट्रीट बन गई है प्रॉपर और भाई अच्छी लग रही है मुझे तो काफ़ी, लाइक मॉल की तरह से बन चुका है प्रॉपर। यूनिटी बना है, देखो मैकडी खुल चुका है यहाँ पे जो कि आपको दिख रहा होगा, बाकी और दिखाता हूँ मैं। और एक ये भी कोई रेस्टोरेंट है, क्या नाम है, कारीगरी। वाह भाई, देखते हैं इसकी कारीगरी कैसी है। ये इन सर का है, बाकी आपका एडिडास भी खुल चुका है, स्टोर मतलब सही खुल चुका है। और स्ट्रीट भाई बड़ी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉपर एक मॉल वाला, यूनिटी वन वालों का है ना। देखो आपने देखा होगा पैसिफिक मॉल में भी उनका है कुछ रोल वगैरह, मुझे नहीं पता, बट भाई मुझे भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एटलीस्ट पंजाबी बाग पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन के नीचे बना और भाई मेट्रो के अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ बन सकती है, मैंने नहीं सोचा था, पर भाई दिल्ली है कुछ भी हो सकता है। और अच्छा लग रहा है भाई जूडियो, भाई मुझे जूडियो में आना था मैंने तो, बट तो मैं इसलिए आया था यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा बना है, मतलब ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो आप खुद देखो हिंदी में भी लिखा है जूडियो एक बोरा। तो और भाई ये लास्ट है बना हुआ है यहाँ पे पहले में, जो कि भाई मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है, आप खुद देख सकते हैं बहुत सही बना है भाई ये, मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। क्योंकि देखो पंजाबी बाग पिंक लाइन इस साइड ना मतलब ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे ना, अभी मतलब जैसे ये बना है तो आसपास में मतलब ऐसे कोई स्टोर्स नहीं है यहाँ पे जो मतलब इतने बड़े होंगे। तो जो ये स्टोर खुला ये देखो इस टाइप का कुछ है जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसी टाइप के यहाँ पे जो भी तीन चार आउटलेट्स जो भी खुल चुके हैं वो हैं सारे। तो ये कुछ इस टाइप का, बाकी इससे मैं अपोजिट साइड चलता हूँ, आउट साइड रहना ठीक है बाहर की साइड इसका। हाँ तो ये कुछ ये ऐसे, तो ये वाला मैंने आपको दिखा दिया है प्यूमा का जो कि ऐसा खुला है। अब मैं चलता हूँ वीडियो में और वहाँ भी दिखाता हूँ कैसा खुला है वो। मेट्रो से आप उतरेंगे तो आपके राइट हैंड पे पड़ जाएगा इसकी पार्किंग। आप चाहे तो यहाँ पे अगर गाड़ी वगैरह से आ रहे हो तो पार्किंग की सुविधा है, ये सारी आपको दिख रही है। अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है यहाँ पे क्योंकि अभी जस्ट नया नया खुला है ये, जैसे कि आप देख रहे होंगे प्लांट्स वगैरह ये वो सब चीज़ें लग रही हैं अभी यहाँ पे, मतलब कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत होने वाला है ये। और इसके बाद जब हम आगे ये अट्रैक्शन आएगा तो मेन जो अट्रैक्शन है ना इसका वो यहाँ से है, यहाँ से ये मतलब मेन आउटलेट रहेगा इसका जो पूरा दिख रहा है आपको, मेन अट्रैक्शन यहाँ का रहेगा इसका। और उस साइड से भी है जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो पंजाबी बाग पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन के जैसे नीचे बना हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो, मैं प्यूमा का कवर करके यहाँ पर आ चुका हूँ। और आप खुद देखो भाई मेट्रो स्टेशन के अंदर मॉल हो सकता है, किसने सोचा था भाई। यूनिटी वन वालों का भाई जवाब नहीं है भाई, बहुत अच्छा उन्होंने काम करा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई मुझे तो, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। मेट्रो के अंदर कभी मॉल ऐसा हो सकता था मैंने भी सोचा था भाई, एक है मैंने पता है कि एक दो है स्टेशन पे ऐसा बना हुआ, पर ये अलग ही कुछ है। मतलब कि जो मेट्रो के नीचे का जो वेस्ट मतलब जो स्पेस होता है उसको यूज़ करके एक बनाया है पूरा मॉल, भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। और अभी मैं और भी स्टोर्स दिखाता हूँ आपको लाइक जूडियो और एडिडास में, थोड़ा बहुत ऐसी वाइड वाइड दिखा दूंगा अंदर से प्रॉपर नहीं दिखाऊंगा। तो अब मैं जा रहा हूँ जूडियो के अंदर, वहाँ पे देखते हैं कि कैसा कलेक्शन है और कैसा वहाँ पर उन्होंने थीम बना रखी है यहाँ पर। तो चलते हैं, आ जाओ। सो दोस्तों ये जो जूडियो खुला है ये इसका जो स्पेस आपको दिख रहा है वो इतना ही स्पेस है, मतलब ये मतलब जो मैंने और देखे जैसे जनकपुरी वाला हो गया या फिर अपना शादीपुर वाला हो गया उससे थोड़ा सा छोटा है ये, मतलब एक ही फ्लोर पे है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर भी एक ही एटलीस्ट पंजाबी बाग में भी ओपन हो चुका है। तो आप आराम से पंजाबी बाग, अगर आप आसपास पंजाबी बाग के रहते हैं तो आप आराम से ईजी रहेगा, आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं वीडियो से। और बाकी दो तीन जो स्टोर्स हैं यहाँ पर मैंने आपको वो भी बता दिए, आप इजीली अपना आराम से आके शॉपिंग कर सकते हैं।
बाकी मैं स्टूडियो में फर्स्ट टाइम आया और मुझे यहाँ पर बताया गया था किसी ने कि मतलब किसी ने कहा यार बहुत सारी वीडियोस वायरल होती रहती है और पता है कि यहाँ पर थोड़े सस्ते प्राइस में कपड़े मिलते हैं। मैं एक बार आया तो था पर मुझे तो लगा नहीं लड़कों का, पर लड़कियों के तो मुझे लग रहे हैं क्योंकि देखो जो प्राइस है ना यहाँ पे लड़कियों के तो भाई काफ़ी सही प्राइस लग रहे हैं मुझे, लाइक 500 में टॉप यार और क्या चाहिए। जिनको सरोजनी नगर के आते उनके लिए सही नहीं है पर वैसे तो सही है भाई। अब देखो 200 में देखो 300 में कुर्तियाँ मिल रही है भाई, और क्या चाहिए आपको, ये 400 में कुर्तियाँ मिल रही हैं। यहाँ भी देखो कुछ है जो मतलब थोड़ी यूनिक है, मतलब हाथ की कढ़ाई वाली है, देखो ये हाथ की कढ़ाई वाली तो ये 900 रुपये की है, फिर भी ठीक है यार मुझे तो सही लग रहा है प्राइस यहाँ पे। ये देखो 200 रुपये में, अबे भाई लड़कियों तुम्हारे तो हर जगह बल्ले बल्ले हैं। लड़कियों का सही है, लड़कियों का हर जगह ना सही प्राइस में मिल जाती है सामान। अब देखो ये देखो ये सैंडल्स वगैरह हैं 300 रुपये मिल रही है लड़कियों के, क्या चाहिए यार। ये देखो 300 रुपये सही है भाई, सही है लड़कियों, ये सारे लड़कियों के मज़े हैं भाई। और आगे बढ़ता हूँ मैं लड़कों के कलेक्शन पे आया था अभी, अब मैं आ चुका हूँ लड़कों के कलेक्शन पे। यहाँ पे कुछ कुछ अभी चीज़ों पे ना प्राइस अभी लिखे नहीं हुए हैं, इसका मुझे कंफर्म करना है भैया। सर इसके प्राइस बताएंगे आप एक बार? अच्छा सॉरी इसमें लिखे हुए हैं ना, ठीक है थैंक यू। ये 700 है। देखो लड़कों का मैंने बताया था ना, लड़कों का थोड़ा कॉस्टली यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, हर जगह ही है यार, ये एक जगह नहीं है, हर जगह लड़कों का। बाकी मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है अगर वैसे देखा जाए, मतलब अदर मॉल्स के बारे में बात करें या फिर जैसे और भी ब्रांड्स वगैरह, जैसे और भी ब्रांड्स वगैरह अगर उनकी बात करें तो उनसे तो भाई यहाँ पे थोड़े देखो चीपेस्ट प्राइस है। और आप खुद देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अदर ब्रांड होता ना तो ये जो आपको दिख रहा है 700 रुपये ये कम से कम 2000 रुपये का होता, तो एटलीस्ट उन चीज़ों से तो ठीक है यार, ये 700 रुपये में क्या बुरा है बताइए। और क्वालिटी मुझे ठीक ही लग रही है, और ये वाला वैसे मुझे अच्छा लग रहा है लेना चाहिए। तो ये कुछ लड़कों के कलेक्शन है और ये कुछ लोवर्स है जो 700 रुपये में मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अपनी खुद की पर्सनल यार देखो मैं अगर अदर ब्रांड किसी अदर ब्रांड से अगर कंपेयर करता हूँ उससे तो मैं देखो बेस्ट ही है भाई देखो, क्योंकि वहाँ पे आपको यही लोवर मिलने वाले कम से कम 2000 रुपये में, और जूडियो में मिल रहे हैं आपको कितने के 700 रुपये के। तो सूरज भी आया हुआ है, सूरज को मैं खींच के ले गया हूँ। वैसे तो पहले तो इसने मुझे बताया था यहाँ पे आने के लिए कि भाई यहाँ पे आ जाए जूडियो खुलाने हैं, और मैं इसको बोल भी रहा था बहुत टाइम से जाना है। और ये देखो ये 700 रुपये में शर्ट्स मिल रही हैं, और देखो जरा सही है क्वालिटी यार, कोई बुरा नहीं है। सर आपको 700 में क्या लगता है, ये ठीक है या नहीं है? थोड़ा तेज बोलो, आवाज़ नहीं आ रहा। सही है नॉर्मली, ये कह रहा है नॉर्मली इतने रेट, मतलब वीडियो भाई लड़कों और लड़कियों के लिए दोनों के लिए बेस्ट है, लड़कियों के लिए तो है भाई, मैं लड़कियों के लिए तो बोलूँगा कि लड़कियों के लिए बेस्ट है, बाकी लड़कों के लिए भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये शूज़ वगैरह चेक कर रहा है अपने ऑफिस के लिए भाई, एक अच्छे देखो ये देखो लड़कों की, देखो मैं भाई गोवा जाएंगे इससे पहले, भाई बताता हूँ देख लड़कियों की ना इतने रुपए में ना पूरा सूट मिल रहा है, लड़कों का जो कच्चा मिल रहा है, बस ये फर्क है लड़कों और लड़कियों के ड्रेसों में। तो भाई गोवा जाएंगे इससे पहले, ठीक है चल भाई गोवा भी चले जाएंगे। तो ये कुछ देखो इसका आउटलेट बना हुआ है, मतलब प्रॉपर जो इसकी थीम बनी हुई है ये बनी हुई है, जैसे नॉर्मल स्टूडियोज होते हैं वैसे ये वाला भी है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट ये है कि हाँ ये एक फ्लोर में बना हुआ है। और यहाँ पे मोस्टली ना ऐसे कलेक्शन है, सिलेक्टेड कलेक्शन रखे हुए हैं, बाकी मुझे सारे सही लग रहे हैं भाई, सही बताऊँ तो अगर पंजाबी बाग के आप नियर में रहते हो तो भाई एक बार ज़रूर आओ। ये 700 सिर्फ, तो 700 में भाई पैंट्स बॉयज़ के लिए, तो इनमें से भाई एक मैं लेने वाला हूँ, पक्का लेने वाला हूँ 700 रुपये में, क्योंकि कोई बुराई नहीं है। थोड़ा और भी दिखाया था मैं आपको, बच्चों के लिए भी देखो थोड़ा बहुत ही है, जैसे जैसे ये है देखो जरा इसके कलेक्शन, ये 400 रुपये की टी शर्ट है, मुझे बढ़ते नहीं लग रही, मतलब मुझे नहीं लग रहा 400 में लेनी चाहिए, तो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। और ये 200 रुपये की टी शर्ट भाई ये मुझे सही लग रही है, पर ये बच्चों की है 5 साल या फिर 6 साल के बीच के बच्चों के लिए ये वाली। और बाकी और भी कलेक्शन है जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, ये कुछ मुझे समझ में आया, एक बार देखो जरा, रुको, हाँ ये वाला, ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है इसका, 700 रुपये हैं इसके प्राइस। बाकी भाई मुझे इसमें से ना ये वाला सही लगा है, ये देखो ये कुछ ज़्यादा सही लग रहा है। तो ये कुछ विंटर कलेक्शन इस टाइप के हैं यहाँ पे, और ये रहे थोड़े बहुत विंटर कलेक्शन बॉयज़ के लिए। और ये बना हुआ है स्टूडियो का आउटलेट जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो पर्सनली, अगर मैं शेयर करूँ आपको देखो। और यहाँ पे कुछ लड़कियों के भी सामान आ चुके हैं, और
तो अब मैं आता हूँ इसकी तरफ। अभी मैं ना यार सही देखो सही से ना बस क्लियर नहीं करने आया, बस सिर्फ मैं आपको जस्ट मैं ये दिखाने आया था कि पंजाबी बाग के अंदर ओपन हो चुका है स्टूडियो भी और जो भी और भी ब्रांड्स वगैरह वो भी ओपन, तो बस ये इन्फॉर्मेशन देने आया था। तो मैं एक एक चीज़ें डिटेल दिखा नहीं पाऊंगा आपको, खुद देख सकते हैं यार ये 300 रुपये का परफ्यूम है इनका। एक मुझे पसंद आया था पहले, बताता हूँ मैं कौन सा वाला था वो। हाँ ये वाला है वो, हाँ ये वाला था देखो मैं जो मैं देख के आया था ना 300 में, ठीक है यार 99 में भी दिखा दूँ, देखो 99 रुपये में भी 100 रुपये में भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो ये कुछ व्यू है और ये इनका बिलिंग काउंटर बनाया तो बिलिंग काउंटर ये। और भाई अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर जो कि इनका मिरर सेक्शन है जहाँ पे भाई आकर लड़कियाँ फ़ोटो क्लिक कराती हैं, लाइक मेरा भाई भी क्लिक करा रहा है फ़ोटो ये चारों तरफ। भाई मिरर का सेक्शन भी काफ़ी अच्छा ना है लड़कियों के लिए ना, लड़कियाँ बहुत देखती हैं तो सही है बढ़िया है, अच्छा लग रहा हूँ मैं। तो दोस्तों बस ये था जूडियो वगैरह जो भी मैंने आपको दिखाया था, सारे आउटलेट्स दिखा दिए मैंने यहाँ पे, सॉरी आउटलेट्स मतलब जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं सारे इनके जो मतलब शोर्स खुल चुके हैं सब दिखा चुका हूँ। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और लास्ट जो है वो ये मैकडोनल्ड्स खुला हुआ है यहाँ पे जो कि काफ़ी अंदर से अच्छा बना है, मैं आपको अंदर से दिखाया था पर अभी मैं खुद लेट हो रहा हूँ, क्या दिखाऊँ आपको नेक्स्ट टाइम कभी दिखाऊँगा। तो अभी चलते हैं हम, तो अभी हम चलते हैं भाई, अब हम आ चुके निकल चुके हैं अभी बाहर, तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं वहाँ से कर लो, अगर आपको पार्किंग करनी है तो पार्किंग उस साइड से आएंगे आराम से एंट्री हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ का चाहिए। तब तक के लिए बाय टेक केयर।